नमस्कार, आप मूव मीडिया देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और विस्तार में जदयू की तरफ से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, लेकिन आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार बिहार की राजनीति में सवाल उठ रहे हैं कि अगला जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि एक नेता एक पद के तौर पर कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसे आरसीपी सिंह छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा अभी जदयू के संसदीय बोर्ड के नेता हैं, लेकिन आज जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से यह सवाल पूछा कि क्या आप जदयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए क्या होगी सर आगे? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हो रहा है? अभी कोई चुनाव तो है नहीं, मंत्री बने हैं। अरे वो अलग बात है, मंत्री बने हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है। नीतीश कुमार ने ये इस्तीफा दिया, बातें कर रहे हैं कि एक सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, ये सब समझा जाए कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं है? कोई नाराजगी नहीं। लेकिन विपक्ष के लोग जो भी कहें कोई मतलब नहीं भैया, नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब नहीं। यही कह रहे हैं कि 19 में दो लोगों के नाम नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था कि पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है और मामला समाप्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हो गया, तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है, तो ये तो रूटीन वर्क है, इस पर क्या टिप्पणी है। चार मंत्रालयों का डिमांड था लेकिन एक मंत्रालय में, डिमांड तो आप लोग रख देते थे, कोई दिखाते थे चार कोई तीन तो आप लोग दिखाते थे, क्या डिमांड था नहीं डिमांड था ये कहाँ किसको मालूम, पार्टी को मालूम था। ट्वीट करके बधाई नहीं दी, 2000 भैया बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ, माध्यम और भी बहुत सारा है और उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी ये कैसे सुनिश्चित होगा। किसी फॉर्मूले पे जाना था सर, तो 2019 में जेडीयू क्यों नहीं गए मंत्रिमंडल में? भैया उस समय की स्थिति अलग थी, इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था कि आप फैसला लीजिए, उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया, अब तो विषय से ही समाप्त हो गया। संजय प्रसाद को हटा दिया गया मंत्री पद से, कैसे थे सर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्या आप अपने आप को देख रहे हैं? संजय प्रसाद को हटा दिया गया भैया, अब ये किनको हटाया गया किनको रखा गया, हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है कि परफॉर्मेंस एक बेस रखा गया है, 2 साल का परफॉर्मेंस देखा गया, मंत्रियों के कार्य सही नहीं होने या भैया परफॉर्मेंस या क्या है कारण उसके पीछे, ये सब अनुमान के आधार पे, कोई प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा, कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है, अब अटकलबाजी है अनुमान है, तो इस अनुमान को सच कैसे मान लिया जाए। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और पार्टी जो चाहेगी वही मंजूर होगा, हालांकि आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ ललन सिंह जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं तो उनका भी नाम चर्चा पर है, लेकिन लॉ को समीकरण की बात को ध्यान में रखते हुए जो राजनीतिक पंडित है वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।